दक्षिण वन मंडल अंतर्गत बरोदा ब्रत जामघाट पीठ के काली पठार में 6 मोरों के शिकार के आरोपी महिला पुरुष को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मृत मोरों का अंतिम संस्कार जामघाट के जंगल में अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। शनिवार सुबह काली पठार के जंगल में 4-5 आरोपियों ने 6 मोरों का शिकार किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूचना पर पहुंचे वन अमले में पदम सिंह व जहोरी बाई निवासी बरही जिला कटनी को दबोच लिया, जबकि अन्य आरोपी वन अमले के पहुंचते ही भाग गए। वन विभाग ने 4-5 लोगों पर वन्य प्राणी संरक्षण की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पदम सिंह और जहोरी बाई को हिरासत में लिया, जिसमें पदम सिंह को रहली न्यायालय में पेश किया, जबकि जहोरी बाई को सागर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। रेंजर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश से आरोपी जेल भेजे गए हैं। मोरों का अंतिम संस्कार जामघाट के जंगल में किया जाएगा। अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है। अवस्था में है, जैसे ही पता चला तो तत्काल जो है स्टाफ को मौके पर भेजा गया और मौके पर देखा तो पहले जब घूमा तो 3 मोर जो है मृत अवस्था में मिले, और पूरा एरिया जब छाना दोबारा से पूरे स्टाफ ने बल्कि तो 3 अन्य जगह पर 3 अन्य मृत मोर प्राप्त हुई। कुल 6 मृत मोर प्राप्त हुई। 1 मोर घायल अवस्था में थी, जो घायल अवस्था में तत्काल चिकित्सालय भेजा गया और पशु चिकित्सक के द्वारा उसका इलाज किया गया है। 10 किलो मांस भी मिला है। हाँ, मांस भी जब हुआ है, मांस जो है बोरी में रखा हुआ था, उसकी सैंपलिंग करा कर उसको ऐसे फिर जल्द को भेजा गया है और उसको भेजा जाएगा, जिसके बाद उसे पता चलेगा कि कब मांस। मैं इस तरीके के अवशेष जब्त नहीं किए हैं, परंतु जो अभी जो 6 ना जो मूल प्राप्त हुई हैं उनको ही अपन ने जब्त किया है। जैसे तत्काल जैसे ही मुखबिर का फोन आया, तत्काल जो है सुरक्षा प्रमुख वहाँ अपने स्थल पर पहुँचे और संबंधित गेट गार्ड और डिप्टी वहाँ पर पहुँचे और सारे रेंज का स्टाफ जो है वहाँ पहुँच कर उन्होंने तस्दीक की, और उसी तस्दीक के दौरान ही अन्य जगह पर 3 मृत मोर प्राप्त हुई। तो ये कहना तो सही नहीं है कि वहाँ स्टाफ मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर देखा जाए तो दक्षिण वन मंडल अंतर्गत बरोदा ब्रत जामघाट बीट के काली पठार में 6 मोरों के शिकार के आरोपी महिला पुरुष को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। मृत मोरों का अंतिम संस्कार जामघाट के जंगल में अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। शनिवार सुबह काली पठार के जंगल में 4-5 आरोपियों ने 6 मोरों का शिकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रहली।